बहुत ही क्रिस्पी बनी है। हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वीट एंड सॉल्टी रेसिपीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं दिवाली के लिए चकली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चकली को कई तरह से बनाया जाता है और ऑथेंटिक तरीके से जो चकली बनती है उसे चकली भाजनी यानी चकली के आटे से बनाया जाता है। चकली का आटा वैसे तो मार्केट में भी मिल जाता है लेकिन हर जगह ये अवेलेबल नहीं हो पाता है और इसे घर में बनाने में भी थोड़ा समय लगता है। ऐसे में हम इंस्टेंट चकली बना सकते हैं। इंस्टेंट चकली भी कई तरह से बनाई जाती है जिसमें से एक रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बिना समय व्यर्थ किए हम फटाफट से इस रेसिपी को बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, इस दिवाली जरूर ट्राई कीजिएगा। इंस्टेंट चकली बनाने के लिए एक बर्तन में लेंगे 2 कप चावल का आटा। इसे छान कर लिया है मैंने। मेजरिंग कप से किया है, आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लें उसी से सब चीजों का मेजरमेंट करें। अगर आपका मेजरमेंट सही होगा तो आपकी चकली एकदम परफेक्ट बनेगी, क्रिस्पी और करारी बनेगी। तो 2 कप चावल का आटा लिया है और इसमें 1 कप बेसन डालेंगे, इसे भी छान लिया है। 1 छोटा चम्मच अजवाइन है, इसको हाथ में इस तरह से क्रश करके डालेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। हाथ में लेके इस तरह से मसल कर डालें इसको। 1 टेबलस्पून भुना धनिया जीरा का पाउडर है। धनिए को, साबुत धनिया और साबुत जीरे को तवे पर रोस्ट कर लें और उसका पाउडर बना लें। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैं चकली को थोड़ा तीखा बनाना चाह रही हूँ इसलिए 2 छोटे चम्मच डाले हैं, आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच सफेद तिल। इसका टेस्ट चकली में बहुत ही अच्छा लगता है। मार्केट में आपने जब चकली खाई होगी मार्केट वाली, उसमें भी तिल का यूज किया जाता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसका आता है। तो 2 छोटे चम्मच सफेद तिल, 1/4 छोटा चम्मच हींग, नमक स्वादानुसार। अब एक बार सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 6 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल में डाल रही हूं, आप इसकी जगह घी या बटर भी डाल सकते हैं। तो 6 टेबलस्पून इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हाथ से इस तरह से मलते हुए मिक्स करें जिससे ये रेशे रेशे में मिल जाए। जैसे हम मोयन लगाते हैं उसी तरह से इसको हमें लगाना है। अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स करें। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है और ये देखिए, इस तरह से जब हम लड्डू की तरह से बनाते हैं हाथ में लेके तो ये आसानी से बन जाता है, इस तरह का होना चाहिए। देखिए, अब हम इसमें गर्म पानी डालकर इसे गूथेंगे। इसका डो हमें तैयार करना है। जो पानी हम यूज करेंगे वो बहुत तेज गर्म होना चाहिए। देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है, धुआं उठता हुआ गर्म पानी होना चाहिए और एकदम से बहुत ज्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका स्टिफ डो हमें बनाना है, बिल्कुल नरम भी ना हो और बहुत ज्यादा कड़ा भी ना हो। तो स्टिफ डो हम बना लेते हैं, पानी थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे और तेज गर्म पानी से इसे हम गूथेंगे। तो थोड़ा पानी डालते हैं और क्योंकि पानी बहुत तेज गर्म है हाथ ना जल जाए तो पहले हम इसे इस तरह चम्मच से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जब ये हाथ से छूने लायक हो जाए तो इसको इस तरह से हाथ से हम मिक्स करते हुए और इसे गूंथ कर हम इसका डो तैयार करेंगे। इस तरह से तेल डालने से और गर्म पानी यूज करने से एक तो चकली करारी बनती है और दूसरा तेल भी कम एब्जॉर्ब करती है। तो इसे गर्म पानी से ही आप गूंथें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसको गूंथ लेते हैं। ये देखिए, इस तरह का डो हमें बनाना है, ना तो बहुत सॉफ्ट है ना बहुत ही कड़ा है और इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। इस तरह का आपका डो बनना चाहिए। इसे हम इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं और अब इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और सब तरफ से इस तरह से, इससे एकदम से ये सूखेगा नहीं। अब इसे ढक देते हैं और चकली मोल्ड को तैयार कर लेते हैं। चकली मोल्ड को ऑयल लगा के हम ग्रीस कर लेंगे इस तरह से और ये स्टार वाली जो जाली होती है इसका यूज हम करेंगे, इसे भी हम चिकना कर लेंगे और अब इसे इस तरह से फिट करेंगे इस
तरह से। अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएं, डो लें और इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में इसको बनाएं, रोल की तरह बनाना है डो को। और अब हम ये मोल्ड भरेंगे। मोल्ड को आपने इस तरह से दबा दबा कर फिल करना है, इससे इसमें हवा नहीं रहेगी, नहीं तो जब हम चकली बनाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए इस तरह से दबा दबा कर आप इसको भरें। हवा रह जाती है तो उसे निकालने में बहुत मुश्किल होती है, तो इसलिए आप इसे अच्छी तरह से दबा कर ही भरें। अब इसका ये जो पिस्टन है इसको हम इस पर लगाएंगे। चकली मोल्ड को हमने भर लिया है, अब हम चकली बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये बटर पेपर लिया है, इस पर मैं चकली बनाऊंगी। इस पर चकली एकदम से चिपकती नहीं है तो मैं बटर पेपर का यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह एल्युमिनियम फॉइल का यूज कर सकते हैं या प्लास्टिक शीट, जो प्लास्टिक की पन्नी वगैरह होती है उसपे भी आप इसको बना सकते हैं, या आप कटोरी के बैक में भी इस तरह की जो प्लेटें होती हैं इसके बैक में आप ग्रीस कर लें, तेल लगा लें, तेल से चिकना कर लें और उसके ऊपर बनाएं, या इस तरह की प्लेट को भी आप चिकना कर लें और उस पर बना सकते हैं। तो ये भी तरीके हैं, मैं बटर पेपर यूज कर रही हूँ। अब हम इस पर चकली बनाएंगे। इसको हमें प्रेस करना है, बहुत ही इजीली ये निकलता है इस तरह से। देखिए शुरू में हमें इसे हल्की सी शेप देनी पड़ती है, इस तरह से हाथ से शेप दीजिए थोड़ी सी। अगर आपका डो सही बना है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से हल्का सा शुरू में करना पड़ता है राउंड, उसके बाद प्रैक्टिस से आप बहुत ही इजीली इसको बना सकते हैं। शुरू में आपको लगेगा लेकिन ये बहुत ही इजीली बन जाता है। ये देखिए कितनी आसानी से ये बन रहा है। जितनी बड़ी भी आप चकली रखना चाहें उतना शेप देके और हाथ से इस तरह से इसे अलग कर लें। और उसके बाद आपने इसके किनारे इस तरह से हल्का सा दबा के सील कर देने हैं, अंदर की तरफ से भी इसको हल्का सा सील कर दें इस तरह से, जिससे ये तेल में जाने के बाद खुले नहीं। तो देखिए कितनी बढ़िया चकली हमारी बनी है। इसी तरह हम और भी बनाएंगे, बहुत ही आसान है इसे बनाना। डो सही बना होगा तो ये टूटेगा भी नहीं, अगर सख्त हो गया होगा डो तो फिर वो टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उसमें आपका जो चकली बनाते हुए आटा जो है वो टूटेगा। तो उसको आप सही कर सकते हैं, उसे थोड़ा सा गर्म पानी डालकर आप उसको सही कर लें, वो सही हो जाएगा एकदम। सारी चकली हमने बना ली है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो तेल गरम होने के लिए रख दिया है, तेल मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत तेज गरम भी नहीं और हल्का गरम भी नहीं। अगर हल्का गरम होगा तो ये तेल को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी, और अगर तेज गरम होगा तो चकली एकदम से जल जाएगी, अच्छी तरह कुरकुरी नहीं हो पाएगी। इसलिए मीडियम हॉट ऑयल ही आप यूज करें, मीडियम हॉट होना चाहिए। चेक करने का तरीका अभी मैं आपको दिखा दूंगी। चकली हमारी तैयार है, इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल को चेक करने के लिए थोड़ा सा डो हम इसमें डाल के देखते हैं। ये देखिए एकदम से ऊपर नहीं आया है, ये धीरे धीरे करके कुछ सेकंड रुककर तभी ऊपर आ रहा है, यानी हमारा जो ऑयल है ये परफेक्ट गर्म है, ऐसा ही गर्म हमें चाहिए। तो अब हम इसमें धीरे धीरे करके एक एक करके चकली डालेंगे, और एक साथ बहुत सारी नहीं डालेंगे, जितनी कढ़ाई में इजीली फ्राई हो जाए उतनी ही डालेंगे। तो अब हम उसमें चकली डालते हैं। आप इस तरह हाथ से भी डाल सकते हैं, या अगर आप हाथ से नहीं डालना चाहते तो आप इस तरह से भी डाल सकते हैं, किसी ये जो इस तरह की झरनी होती है इसकी हेल्प से। अब हम इसे गोल्डन कलर आने तक, लाइट गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम आप मीडियम ही रखें और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, इसी तरह से सिकनी चाहिए। जो ऑयल है वो मीडियम हॉट ही रहना चाहिए, बार बार इसलिए बता रही हूँ, नहीं तो फिर आपकी चकली जल भी सकती है या तेल ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ। और इसे एकदम डालते ही हम नहीं छेड़ेंगे, जब थोड़ा सा ये सिक जाए उसके बाद ही चकली को आप छेड़ें। चकली हल्की सी फ्राई हो गई है, अभी हम इसको आराम से इस तरह से पलट देंगे और इसको बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक, लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। चकली लाइट गोल्डन कलर की हो गई है और अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी की चकली भी फ्राई करते हैं।
इंस्टेंट चकली बनकर तैयार है। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, एक बार बना लें और ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में भरकर एक महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और खाएं, बहुत ही बढ़िया लगती है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी क्रिस्पी है, ये देखिए इसकी आवाज सुनिए। बहुत ही क्रिस्पी बनी है और बहुत ही बढ़िया बनी है। आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।